वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं इटर्नल हेल्थ और मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव। दोस्तों, इस शो के जरिए हम हमेशा से आयुर्वेद को सूक्ष्म लेवल पे समझने की कोशिश करते आए हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने कई टॉपिक्स पे डिस्कशन किया है, पर एक टॉपिक अभी भी है जो बाकी है और वो है लेडीज प्रॉब्लम्स का। जी हाँ दोस्तों, हर दिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम फेस करते हैं। आजकल की मॉडर्न लड़कियां, वर्किंग वुमेन, क्या आयुर्वेद को अपनाकर अपनी डेली प्रॉब्लम्स और क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती हैं? यही आज हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान का। प्रताप चौहान, आपको विश्व के अग्रणी आयुर्वेदाचार्यों में शुमार किया जाता है। आप आयुर्वेद को पूरे विश्व में प्रचलित करने के लिए प्रयासरत हैं और इसी उद्देश्य हेतु आपने अमेरिका, यूरोप सहित 40 से भी ज्यादा देशों में जाकर लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में व्याख्यान दिए हैं और दे रहे हैं। आप विश्व के पहले आयुर्वेदाचार्य हैं जिन्होंने इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति को आधुनिक तकनीकों के साथ मिश्रण करके विश्व के घर घर में पहुँचाया है और लोगों का शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक स्तर पर उपचार किया है। आप देश के जाने माने आयुर्वेदिक प्रतिष्ठान जीवा आयुर्वेद के चेयरमैन हैं। आपने आयुर्वेद के विषय में प्रसिद्ध पुस्तक इटर्नल हेल्थ सहित कई पुस्तकें भी लिखी हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपका विशिष्ट योगदान देखते हुए आपको कई सम्मानों से भी नवाजा गया है। अभी आप अपने संस्थान जीवा आयुर्वेद के माध्यम से आयुर्वेद को शिखर की ओर ले जाने में अग्रसर हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हमारे शो इटर्नल हेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज हम बात करना चाहेंगे लेडीज प्रॉब्लम्स के बारे में जी, और कैसे आयुर्वेद के जरिए वो अपनी डेली लाइफ में कंफर्ट ला सकती हैं जी। पर उसके पहले हम व्यूवर्स को हमारा नंबर दे देते हैं जी। तो फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ कि आपको हमारा नंबर याद है, पर एक बार फिर से लिख लीजिए। हमारा नंबर है 0129-408-152। आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, स्पेशली अगर लेडी व्यूअर्स आपकी कोई बीमारी हो, कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, प्लीज हमें फोन कीजिए, हम आपके फोन का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक औरत हूँ और मैं जानती हूँ कि हमें किस तरह की परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं डेली लाइफ में जी। पर आजकल बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल पेन होता है, पीसीओज होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो शुरुआत करते हैं पीसीओ से। ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो एक और बड़ा सा नाम है, ये क्या है? नाम तो बहुत बड़ा है और आजकल बहुत फैल भी रहा है। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं और मुझे बड़ा दुख होता है कि यंग लड़कियां जो अभी 17, 18, 19, 20 इस उम्र में हैं, उनको ये बीमारियां हो रही हैं। और नाम तो फिर वही, जैसे हमने पहले भी सिंड्रोम्स की बात की है जी, जी। नाम बड़े अच्छे लगते हैं सुनने में, और इसका कारण कुछ नहीं मालूम किसी को भी जी। मॉडर्न मेडिसिन कहती है कॉज इज अननोन। वैसे जो है पॉलीसिस्टिक ओवरी, इसको हम अगर समझने की कोशिश करें, पॉलीसिस्टिक ओवरी एक कॉमन सी एक चीज है। मतलब हर स्त्री की ओवरी में हर महीने जो मेंस्ट्रुएशन होता है, इसका प्रोसेस अगर थोड़ा जानने की कोशिश करें जी। तो उसमें कुछ फॉलिकल्स बनते हैं ओवरी के अंदर, उसमें से कुछ एग मैच्योर होता है, वो जो यूट्रस में आता है इस तरह से। लेकिन इसमें क्या होता है पर्टिकुलरली, ये जो बीमारी जो होती है, इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये जनरली सभी के अंदर ये फॉलिकल्स बनते हैं, इसको जो के बाद में सिस्ट बन जाता है इसका जी। लेकिन अगर ये सिंड्रोम कहलाता है, सिंड्रोम में कुछ और सिम्टम्स इसके साथ पैदा हो जाते हैं कुछ स्त्रियों में। डॉक्टर साहब, इन्हीं सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जी। पर पहले बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट कॉलर से जी। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी फर्स्ट कॉलर एक लेडी है जी। जी, आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम सुमन चावला है, मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ जी। सुमन जी, बताइए आपको क्या परेशानी है? देखिए, अभी जो शो चल रहा था, मेनली आपने बताया कि विमेन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स के लिए चल रहा है, तो इसलिए मैंने कॉल किया था जी। मेरी ये प्रॉब्लम है कि कुछ टाइम से, लगभग 2-3 सालों से मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक नहीं आ पा रहे हैं जी। 2-3 मंथ्स का गैप हो जाता है, उसके बाद पीरियड्स आते हैं, और पीरियड्स जब आते हैं तो बहुत हैवी फ्लो रहता है, अराउंड 10-12 डेज, 15 डेज तक रहते हैं। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मेरा वेट बढ़ना शुरू हो गया है। आपकी अभी उम्र कितनी है आपकी? मेरी साल 30 साल है। 30 साल? हाँ जी। अच्छा,
देखिए जनरली जो ऐसे सिम्टम, उम्र मैंने इसलिए पूछी, वैसे स्त्रियों की उम्र पूछते नहीं है, तो इसलिए पूछी कि जनरली जो मेनोपॉज की एज होती है 45 साल के बाद, इस तरह के लक्षण कई बार स्वाभाविक रूप से होते हैं, लेकिन आपकी उम्र अभी इतनी नहीं है और आपको ये लक्षण हो रहे हैं, तो इसमें डेफिनेटली दो तीन चीज़ें मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक तो जो है इसमें हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि जैसे आपने कहा कि 2-3 महीने तक पीरियड आते नहीं और आते तो 15 दिन ब्लीडिंग चलती रहती है, तो आपने कुछ चेकअप वगैरह भी कराया, कोई अंदर कोई ऐसी चीज ब्लॉकेज तो नहीं है आपके यूट्रस में, ओवरी में कहीं पर? नहीं, अल्ट्रासाउंड करवाया था लेकिन अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है। अच्छा, मेनली डॉक्टर यही कहते हैं कि हार्मोनल इम्बेलेंस चल रहा है, उसके लिए मैंने हार्मोनल ट्रीटमेंट भी लिया है। नहीं, लेकिन हार्मोनल ट्रीटमेंट चलता है तभी तक ठीक रहता है, उसके बाद फिर रेगुलर रहते बिल्कुल हैं। आप सही, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने ये जो केस यहाँ लाए हैं, और इसके माध्यम से मैं लाखों लोग जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को उनको बताना चाहूंगा कि हार्मोन लेते हैं तो पीरियड ठीक हो जाता है, जब नहीं लेते हैं तो वो खराब हो जाता है। तो इसलिए हमें उसका कारण देखना है कि वो हार्मोनल इम्बेलेंस क्यों हुआ। हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में लिखा हुआ है मुख्य रूप से या तो वात के प्रकोप से होता है या कफ के प्रकोप से। वात के प्रकोप से क्यों होता है कि जो भी हमारा नर्वस सिस्टम, ब्रेन जो कि हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, तो आजकल हमारी लाइफस्टाइल जो है वात वर्धक आहार विहार उसमें बहुत ज्यादा है। खाना पीना हमारा जो है, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें भाग दौड़ और टेंशन स्ट्रेस इतनी ज्यादा है, तो मैं आपको केवल भी रहता है, गैस बनना की परेशानी रहती है। हाँ जी, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि एक तो थोड़ा सा अपने माइंड को आप रिलैक्स करिए, और उसमें दो तीन चीजें बहुत इसमें महत्वपूर्ण है। एक एब्डोमिनल ब्रीदिंग जब भी आपको याद आ जाए, चाहे आप टीवी देख रही हैं अभी भी आप कर सकते हैं, और पेट से आपको सांस लेना है लंबे सांस, जिससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन पूरी मात्रा में जाती है, हमारा ब्रेन नर्वस सिस्टम स्ट्रांग रहता है। दूसरा जो है इसके साथ साथ शवासन आप जरूर करिए, 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को शवासन, ये योगा का पोस्चर है, लेट करके आपको पूरी बॉडी को रिलैक्स करके माइंड को अपनी सांस पर फोकस करना होता है 5 मिनट के लिए, कोई इधर उधर माइंड को जाना नहीं चाहिए। तीसरी अच्छा चीज जो आप शुरू करेंगे वो है तिल के तेल की मालिश, हफ्ते में कम से कम 2 बार तो जरूर करिए, अगर ज्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। तिल का तेल लेकर के पूरे शरीर में अच्छी तरह से मालिश करनी है, सिर में, कान में, नाक में, सब जगह तेल अच्छी तरह से लगाना है आपको। डॉक्टर साहब, तिल के तेल से मालिश करने से क्या फर्क पड़ेगा? वही वात के लिए सारा है, जो वात का प्रकोप जिससे नर्वस सिस्टम आपका जो है वो डिस्टर्ब हुआ, हार्मोन डिस्टर्ब हुआ, ये हम बिल्कुल जड़ पे जा रहे हैं। देखने में तो लगता है कि इससे क्या होगा, इससे हार्मोन कैसे बैलेंस होंगे, लेकिन हम बिल्कुल जड़ पे जाकर के काम कर रहे हैं और इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। तो तीन चीज मैंने बताई, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, शवासन, तिल के तेल की मालिश, और चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिव इन द प्रेजेंट। जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर आप खाना खा रहे हैं तो उस समय खाना ही खाइए, कोई और दूसरी चीज मत करिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो अपने दिमाग में, आप अपने मन में यही देखिए कि मैं पैदल जा रही हूं। अगर आप सब्जी काट रहे हैं तो अपने आप को सब्जी काटते हुए देखिए, मतलब अपने साथ ही रहना है, अपने प्रेजेंट में रहना है आपको, पास्ट में मत जाइए, फ्यूचर में मत जाइए। तो ये तो रही आपकी जो है जो मूल कारण की बात वात के बारे में। इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत ही अच्छी, हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक औषध है जिसको बोलते हैं शतावरी। मैं पहले भी अपने शो में बताता हूँ, शतावरी इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ फीमेल, सबसे सबसे अच्छी देखा है और ये मैं नोट करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, तो वो शतावरी का पाउडर मिल जाए तो बहुत अच्छा, 1 चम्मच सवेरे 1 चम्मच शाम को दूध के साथ लेना शुरू कर दीजिए आप, और मुझे उम्मीद है कि इतना करने से ही आपके जो पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, आपको कोई हार्मोन की लेने की जरूरत नहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और 4 सप्ताह में इसमें रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि महीना तो एक महीने में ही आता है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप 3 महीने ये पूरा जो भी मैंने बताया इसको 3 महीने फॉलो करिए रेगुलर, और उसके बाद मुझे बताइए कि आपको इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। हाँ जी, जरूर। ठीक है, आपकी बहुत ही अच्छी सलाहें होती हैं और मैं बहुत बार आपका प्रोग्राम देखती हूँ और उसको फॉलो करने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जी, तिल के तेल की मालिश मैं करती हूँ, रेगुलर नहीं कर पाती हूँ, अब से मैं उसको रेगुलर करूंगी ताकि इसका अच्छा रिजल्ट मिले। लेकिन माइंड रिलैक्सेशन का ध्यान रखिए, बहुत जरूरी। हाँ जी, जरूर, और प्रेजेंट में रहना है। सुमन जी, हमें बहुत खुशी है कि आप हमारा शो रेगुलरली देखती हैं, और एक काम और रेगुलरली कीजिए कि डॉक्टर साहब ने जो जो टिप्स दी हैं अच्छे से उनको फॉलो कीजिए, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। डॉक्टर साहब,
पीसीओएस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैं सिम्टम्स ये कह रहा था कि एक तो जनरल ये फॉलिकल्स बनते हैं हर महीने जी, लेकिन जब ये बहुत मात्रा में बनते हैं उसका कारण होता है हार्मोन्स में कुछ गड़बड़ी हो जाती है जी, जैसे कि ये बता रही, जैसे कि इन्होंने बताया 30 साल की उम्र में, ये भी लगभग इसी तरह का एक ये केस है। हालांकि इनके अभी उसमें अल्ट्रासाउंड में कोई ऐसी ब्लॉकेज नहीं आई है, लेकिन कभी कभी आ जाती है ब्लॉकेज ऐसे केसेस में भी। उसमें फिर क्या होता है, लक्षण मुख्य रूप से कि पीरियड्स आते ही नहीं है, कई बार 6-6 महीने तक पीरियड नहीं आते, बाल आने शुरू हो जाते हैं चेहरे पर, अच्छा। वेट बढ़ जाता है, और इसके अलावा जो है कभी कभार ऐसा भी होता है जैसा इन्होंने कहा कि 2-3 महीने नहीं आते, फिर ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, हैवी ब्लीडिंग हो जाती है जी। तो ऐसे लक्षण भी इसमें पीसीओएस में मिलते हैं। तो इनके कॉजेज क्या है? कॉज तो इसके पहले अभी लक्षण मैं और बताऊंगा अभी, क्योंकि मैं दर्शकों को पूरा बताना चाहता हूं इसके बारे में। इसके साथ साथ कभी कभार थायराइड जैसे किसी को है उसके साथ ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं, अच्छा। या हाइपरटेंशन किसी को, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, तो मतलब कुछ और बीमारियों के साथ भी ये रोग जुड़ा हुआ है। हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज टाइप 2 जो होती है जी। वो है, या मोटापा किसी को है उसके साथ, तो ये सारी जो है जो मैंने चीजें बताई ये भी इसके इस रोग में या इस ऐसे लक्षण हमारे सिम्टम्स हमारे शरीर में पैदा कर सकती हैं। डॉक्टर साहब आगे हम बात करेंगे कॉजेज और कैसे डायग्नोज किया जाता है, हाँ, तो यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक जी। तो दोस्तों हमारा नंबर एक बार फिर से लिख लीजिए, हमारा नंबर है 01294088152। हम इंतजार कर रहे हैं आपके फोन कॉल्स का, क्योंकि आज इस एपिसोड में हम विमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो महिलाओं जल्दी से फोन लगाइए क्योंकि मैं आपके फोन का इंतजार कर रही हूँ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।